बात करेगा वो कैसे जानती है उसको, ये तो बताओ। 2020 में मैंने छोड़ रखा है, ठीक है, जो मेरा लेना देना मेरा बाहर की बार है, घर से क्या मतलब है किसी को, कोई घर पे आएगा तो मैं सुलटूंगा ना। वो अभी एलिगेशन लगा रही है, उनका जवाब दे रहा हूँ, बुलाओ उसको, कौन है वो पता तो चले मेरे को भी। अच्छा, पेट में जो बच्चा था तो 8 महीने का लगभग हुआ था, तो आपने कहा था मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए है, आप भले ही चले जाओ। वो कह रही कि उसने, मैं प्यारी नहीं थी, उन्होंने कहा था कि बच्चा दे दो और आप चले जाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी आपके जीवन में। अच्छा, उन्होंने 7 तारीख को गई थी, 1.5 महीना पहले जब बच्चा पेट में था 8वें महीने का, वो अपने मेरे से ये बोल के गई थी, मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। मैं कहा ठीक है चली जा, तू 4 साल से भी जा रही थी, जब भी आती थी मेरे को किस क्या का डर रहते रहता है। मैं कहा तू किताब आ जा थोड़ी ना, कि गलत थोड़ी ना। मैं कहा ठीक आ जाएगी 2-3 बजे तक, बोल के गई थी वो, हर बार आती भी थी। उस दिन वो शाम को 7 बजे पुलिस वालों को ले आई, मैं था अकेला घर पे। जब मैं अकेला घर पे था, वे 15-20 जने थाने में, भाई सब बना डर लग गए एकदम जाते। मैं इतना बड़ा प्रधानमंत्री को ना, अगले में बड़ा बदमाश हो जाते हुए मेरी सेवा करेंगे, ये जो करा अगला ने मरने के बरा जाते हुए मेडिकल करवा रहे, आगे इसके इतने पेट में लात मारी, फलाना मारी, 8वें महीने में लुगाई के पेट में लात मार देंगे, वह छोरी कुर्सी पर बैठ जाएगी, को बैठ जाता मेरे तो बता दो, को मेडिकल चेकअप बता दो। और जाकर उस थाने में, तो जाकर 7 तारीख ना गई थी मैं बताऊं, और 7 तारीख ना पुलिस वाला ने मैं बुला भी लिया था थाने में, और वे MLC भी दिखाऊं थे ना, तो कोई FIR हो रही 7 तारीख की, और ना कोई मेडिकल, पैसे देकर तो मेडिकल बनवाया था। और 12 तारीख की ये रही, उसी महीने की है जो वो कह रही है, 12 तारीख की रिसीव मैं लेके आ रहा हूं। उनके पास अगर रिसीव हो ना तो मेरे को दिखाओ, और ये है 12 तारीख की, कोई पढ़ सका भाई ये, जिस दिन 7 तारीख को वो गई थी, उसकी दादी का खुद फोन आया था, अग बेटा किसी फ्रेंड के पास मेरे, अग बेटा उससे वो रिपोर्ट लेके दिखा दे, अग उसने क्या कर रखा है, क्या रिपोर्ट दी है, हम बच्चा गिरवाएंगे 8वें महीने में। अगर मैं तो क्या नहीं बोलूंगा, मेरे को तो बच्चा भी माँ भी चाहिए, अगर वो मेरे बच्चे को गिरवा देते तो मैं किसके पास जाता, किसके पास जाता। पहले तो मेरी प्राथमिकता थी मेरा बच्चा पैदा हो इस दुनिया में आए, वो दुनिया से आने से पहले ही उसकी दादी की यह सोच है, अब वो उसको गिरवा देगी। मैंने रिसीव ले रखी है, इस डर से बच्चा पैदा हुआ है जो है कि ये मुख्य हॉस्पिटल में हुआ है, और मुख्य हॉस्पिटल में मैं खर्चा क्यों दूंगा, ना तो वो अपने घर रही, ना कभी तो वो उसको भाई बोलती है, कभी वो वहाँ पे रेंट पे रहती है, राजेश कहता मेरा खास है। अरे वो खास कैसा हो गया जो अपनी बहन तक राखी भी बंधुआ हुआ है, और अपनी बेबे पे 1.5 महीने का रेंट का किराया भी ले हुए है, वो फिर भाई बहन का रिश्ता हो गया, ये तो कमांड का साधन हो गया, खास कितना रह गया, वो खास था वो आगरे जो अपनी बहन का सारा भी लगा हुआ है। प्रवीण जी एक मिनट, जो आपने बोला था दिल्ली इलाज चल रहा था, दिल्ली तो कोई इलाज नहीं चल रहा था, ये रे कागज भाई ना चल रहे, मैं बोलता को ना, मैं दिखाया करूं, ये रे दिल्ली नर्सिंग होम के है, यो रहा एक्सरा मुखी जागा, योरा किसने कराए हैं, ज्योति का घराला था मैं हूँ, ज्योति के जो कौन से महीने में कराए उसके घराला ने, जो 8वां महीना चल रहा है, 8वां ये नुमेरा कैमे के है, देख लो तुमने तो 8वें महीने में कह दी मुखी में कराया यार उनने, 8वें महीने में कौन से महीने के ये है, 4/30/2022 के, जब बच्चा पेट में था, ये रही स्लिप, ये रहा एक्सरा, 8वें महीने में कौन सा करा दिया उनने, 8वें महीने में डॉक्टर का पैसे कमाने का धंधा हुआ है, उसका कैल्शियम की हो खवा दो, फलाना खवा दो, अरे उसका कमी थी खून की, उसका भाई तनु का 1.5 ग्राम खून था, बाप नु का 4 ग्राम खून था, अरे नॉर्मल डिलीवरी होगी, चल खून की कमी थी, खून कौन सा चढ़ा दिया डॉक्टर ने, मेडिकल में कौन सा खून चढ़ा दिया, खून चढ़ा था मेरी वाइफ का, कोई खून नहीं चढ़ा था भाई, और उन्हें सरदारी थी, खुद राजेश की वर्डिंग है ये, राजेश ने सरदारी थी भाई, इसका बाप नु कह अगर खर्चा हम देंगे तो अपनी छोरी नाम लेकर जाएंगे, अरना तो तू खर्चा दे, तू खर्चा दे, मैंने जब भी आ कह दी थी, मगर मेरे में इतनी हिम्मत है मैं बगैर पैसे के अपनी वाइफ ने भी लेकर जाऊंगा और अपने बच्चे ने भी लेकर जाऊंगा हॉस्पिटल में, तो रोक सको तो रोक लियो, मगर खर्चा मैं नहीं दूंगा ना, तो अपने घर आ रही थी, अरे मैंने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है, कुछ हो जाता कौन जिम्मेवार होगा, ये मेडिकल करा रखे है, पहली लड़की हुई मेरे, जब भी तो मैंने दिया था, कौन सा उसकी दादी ने दे दिया था खर्चा, दादी 4 साल तक आया करती, कौन सा उसके पापा ने दे दिया था, जब ना राजेश बीच में आया, जब भी मन्ने दिया है 4 साल में मेरा इनाश क्रांति आई थी उसकी दादी। हाँ भाई प्रवीण, हाँ जो ज्योति के आपने वीडियो में बयान सुने होंगे, हाँ 4 साल दे तो बोल रही है उसकी दादी है, खर्चा दे रही है सारा, मतलब फिर चाल लो ना, खर्चा किस चीज का दे दिया, हम गए हमने देखी है मीडिया दिए है, जीत में रहा करता उड़ा गए हो, जित मैं रहा करता खर्चा क्या कर दे, आप तम ना जाओ, चलो मेरी गिल्ला मेरी गिल्ला चलो, अलाव मैं धुआं प्रूफ, कितना खर्चा दिया बताइए उसकी दादी ने, आपने देखा मीडिया में, मैंने सारा देख लिया, मैंने सारा देख लिया, आप भी पत्रकार हो समझदार हो, मैंने सब कुछ देख लिया, ठीक है, उसकी दादी तो आपने नू पूछी कितना खर्चा दिया करती बिन्ने का,
और खर्चा तो वो है और 2 लाख रुपए था खर्चा मेरा, मेरा मकान का किराया कितना था हमने यार नहीं पता आपका कितना, फिर नहीं था फिर ये कैसे कह रहे हो उसकी दादी खर्चा दे रही थी। और एक बात और नहीं नहीं ये कोई एलिगेशन लगाने वाली कोई बात नहीं है, उसकी दादी को सामने लाओ मैं बताऊंगा, मैं मकान मालिक को प्रूफ कराऊंगा कब किसका खर्चा दिया और कौन से महीने में कहाँ रहता था, और वो मकान मालिक खुद बताएंगे, इससे बड़ा प्रूफ मैं क्या दूंगा। आप प्रवीण भाई एक बात हो रहा है, आपने अपनी मिसिज के ऊपर दबाव डाल करके 50,000 मंगाने का मतलब वो किया था कि भाई 50,000 पे लेके आ, थाने में तो 20,000 कह रही थी, नरेला थाने में 7 तारीख को गई थी, जब थाने में 20,000 रुपए कह रही थी, जहाँ पे वुमेन सेल था वहां पे भी 20,000 रुपए कह रही थी वो, अब 50,000 कह रही है उसकी दादी, कितने पैसे मंगा लिए, जब मैं डकैती भी मैं मारू हूँ, सट्टा भी मैं खेलू, दारू भी मैं पीऊँ, और मैं उसकी दादी में 50,000 रुपए मंगाऊंगा और मैं उसका खाने नहीं दे रहा, उसका कहना यही था, कहना तो कुछ भी कह सकती है, मतलब धक्के से पैसे मंगाए गए हैं, कोई चीज का प्रूफ है धक्के से पैसे मंगा रहता तो उसको मैं वृंदावन नहीं भेजता अपनी बुआ के साथ जा घूमने अकेली, अगर उसको मैं डरा धमका के रखता हरिद्वार नहीं जाती वो, 2022 में एनिवर्सरी थी मेरी, खुद अपनी वाइफ को भी लेके गया था और जो हमारे पास किराए पे रहते थे उसकी फैमिली भी गई थी, बच्चे भी गए थे, मैं उनको घुमाने नहीं ले जाता अगर उसको मैं डरा धमका के रखता, अब वो डर कैसे खुल गया, 4 साल से नहीं खुला जब से उसकी दादी आ रही थी, भाई तो उसका अभी भी जिंदा है, काम तो उसने अब किया है, मेरे को इस मजबूरी पे गलत हरकत करूं, पर मैं करूंगा नहीं गलत हरकत, मैं मर्डर ही ना हूं ना मैं क्राइम अगले मैं किसी का क्राइम करता हूँ, मेरा पहला यही है, मैं उस दिन भी यही बात कह रहा था कि मेरे बच्चों को उसको सौंपा जाए, और वो अगर खर्चा मांगते तो मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, अगर वो कह रही है मेरे से डर रही है तो मैं आपसे भाइयों से इसने से अपील कर रहा हूँ कोई मेरे बच्चों को लेके जाए, जो मैं प्रशासन को भी कह रहा था उस दिन, आईओ को भी बोला था, मैं कहा सर मेरे बच्चों को हैंड ओवर कर रहा हूँ, पहले उन्होंने मेरे को बालगढ़ बुलाया वहाँ खड़ा रखा 6 बजे तक, वो कह रहे फिर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो उनसे बात हो रखी थी उनकी मिली भगती सारी, फिर बोले हमारी ड्यूटी नहीं है, क्यों नहीं है तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारी तो ड्यूटी होगी, सवालों की ड्यूटी होगी, तुम मेरे लो मैं भी दे रहा हूँ दोनों बच्चों को लेके जाओ, उसने आपने कल मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ राजेश, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, हाँ जो आपने लगाया था भाई उसको भाई लेके गया, पहली बात तो ये ध्यान से सुनो, जो आपने लगाया था भाई उसको भाई लेके गया उस गाड़ी में, उस टाइम पे जो लोकेशन निकाली गई है उसका भाई वहाँ पे कॉलेज में, आपने निकाली लोकेशन, हाँ देना प्रूफ देना, लव बात मैं कराता हूँ, फुटेज दिखाऊँ उसके भाई की गाड़ी की, फुटेज दिखाऊँ, कौन सी गाड़ी लेके आया था उसका, स्विफ्ट उनका कोई भी गाड़ी नहीं है, नहीं है 34 क्या सिवा कौन सी थी जो थाने मारी थी, अरे उनका थाने में जोन सी आ रही थी खरकोदा थाने में, अरे खरकोदा थाने में 3484 कौन सी गाड़ी है, उसके भाई की गाड़ी नहीं है भाई, अरे 3484 उसकी है, नेम ठवा दे, और 7 लाख रुपए उसके दादा ने दिए थे जब गाड़ी लिकड़वा के लाया, जाके पूछ का हो पता करो पहला, मैं ना गया था उसके दादे दो, अरे मैं ना लेने भाई किससे की हो, बात सुन वहां नरेला चल तेरी बात का जवाब दू, नहीं थी उसके भाई की, ओके फुटेज मारी है मैंने दिखा दिया, पुलिस वाला ने कार्रवाई नहीं करी, वहां नरेले तक जब चली गई उससे की बात का जवाब दू, गाड़ी में गई वहां थाने में क्यों नहीं गई, अगर मेरे को बच्चे को से पैदल चली गई, किराए में गई होगा, अरे फिर किराए में भी तो क्या में गई होगी या कुड़गा गई, फिर इको गाड़ी ना होती, इको गाड़ी ना होती, फिर स्विफ्ट जहाँ तक फुटेज आ रही है मैंने फुटेज दिखा तो दी, जो मेरा वो था मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, मतलब आपके कहने का मतलब है जो यहाँ से गई है वो स्विफ्ट में गई है, फिर आगे किराए में, आगे गई है वो आपके अड्डे घर तक, घर से और अड्डे तक स्विफ्ट गाड़ी में गई है, और अड्डे तक नहीं बोल रहा मैं, जहाँ तक मेरे को फुटेज दिखाई दी है ना गाड़ी की और उसकी, वहां तक बोल रहा हूँ, दूसरी गली में कैमरे है वहां मैंने आधे घंटे की बात फुटेज देखी है ना, तो वो गाड़ी गई है गली में से, दिख रही है गाड़ी भी नहीं दिख रही उस गली में से, भाई साहब बैठती और दिख रही है, मैं आपको अभी भी फुटेज दिखा दूंगा कैमरे की, अभी महीना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है मैंने जितनी फुटेज ली है ना अभी फुल फुटेज है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो, गाड़ी में बैठती हुई ना तो मैंने देखी, हाँ गाड़ी वहीं पे रुकी, बोल सकते हो गाड़ी में, और कैसे नहीं बोलूंगा, गाड़ी जब दूसरी गली से नहीं गई, उड़ के तो गाड़ी गई नहीं है ना, उड़ के वो आ गई, वो नरेला तक अपने डर से चली गई, अगर मैं उसको मार रहा हूँ वो थाने में नहीं जा सकती थी, पुलिस वालों से भी डर लगता था, अब पुलिस वालों से बड्डा बदमाश हो गया क्या मैं, नहीं नहीं वो तो आपने घर पे गई है भाई, अरे फिर घर यार घर पे गई है वो, तो ये भी कह रही है मैंने बच्चे खोस लिए, कहां से खोस लिए मैंने बच्चे, थाने में जाती कंप्लेंट बोला है वीडियो में देखा हुआ, 9 तारीख को वो गई है घर पे, 15 तारीख को वो कंप्लेंट कर रहे हैं मेरे खिलाफ नोटिस दे रहे हैं, 10 को कहा थी 11 को कहा थी, अगर वो मर जाती या उनके घर के बोल देते, अगर वो गायब होगी तो कौन जवाब देता, आप दे देते जवाब, जवाब तो आप वही देती, वो उस पुलिस वालों ने 15 तारीख को हमें कंफर्म तो 15 तारीख को किया, फोटो दिखा गए, अब देखो ये रही घर पे, उससे पहले मेरे को नहीं पता था कहाँ है, पुलिस वाले बोल रहे थे कि वो अपने घर पे है, मैं कैसे विश्वास करूंगा, कैसे बताया यार आपने, खुद बजाया उसको मार पीट के, वो कौन
रिपोर्ट लिखवा दी, मेडिकल ले रहे हो, मेडिकल ले रहे हो। अरे हम क्यों मेडिकल लेंगे? अरे फिर वो ले रही है, मैं भी कह दूं तने मेरा मारे, तू सन मेरे तक कट्टा दिखाओ था, मान लेगा? अरे ना ना मान लोगे, जवाब दो। ऐसे एलिगेशन में प्रूफ होता है, प्रूफ होता है। एलिगेशन आपने लगाया उसका प्रूफ दे रहे यार। अरे लिए रे प्रूफ, उन पे लिया कागज, ले मैं देने लग रहा कागज लिया उन पे। उनका मकसद सिर्फ यो है वीडियो पाने का। मैं भी ज्योति नगर बुरा नहीं मान रहा, बेइज्जती तो ईब जो उसका आंगली ला रहे है ना, बेइज्जती तो उनने ईब कराई है उनके घर क्या की, बेइज्जती तो उनने ईब कराई है। कैमरे पे भी इतनी झूठ बोल रहा है, कैमरे पे पब्लिक देखा है, कमेंट देख लो चैनल पे, और ना दिखाई जाते हो तो मैं दिखाऊं चैनल पे, वीडियो बना लियो और उसके माँ बाप तक दिखाइयो। घटिया आदमी होंगे ना फिर। सुन पर भी नहीं, कमेंट तो क्या होता है कमेंट का। अभी आपकी एक महीने से वीडियो चल रही है। अच्छा चल रही है। हाँ। उसकी पहली वीडियो आई है, पहली वीडियो पे इतना ऊपर फोन लग रहा, झूठ पे झूठ। एक महीने में तो के मेरा क्या होगा, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। अरे ये कागज झूठे है, कागज झूठे है। आप कल वीडियो लेने गए, आपने एक बार भी नू ना कही, अखबार का रखेगी के क्यों ना कही, वीडियो कहा है, वीडियो भी में भी कटिंग है, वीडियो में भी कटिंग है। उसका क्या जवाब था, उसने बोला कहा मैं रखूंगी भाई, नाट दी उन्हें नहीं रखती। अरे चोर तेज नुका हो गया, चोर है वो मान लेगा। नहीं नहीं प्रवीण भाई एक मेरी बात सुनो, कमाल कर रहे हैं। आपसे कोई बहस नहीं है, बहस वाली बात नहीं। मैं सीधा देख, मेरे पास सबूत है, मैंने सबूत दिखा दिए, उसके जाके मम्मी पापा से सबूत ले आओ और फिर मेरे से बात कर लेना। मेरे को कोई दिक्कत, मैं कैमरे के आगे वहां भी चल सकता हूँ। अगर वेनू कहे ना 10 आदमी हम इकट्ठे हैं और उसने बुला लो, तुम सारे चलोगे, तुम्हारे आगे उनने पे जवाब लूंगा। अगर वे जवाब दे देता है, थारी जूती मेरा सर होगा, इस तो बड़ी बात नहीं कहूंगा। छेड़छाड़ के आरोप लगाए उसके भाई के ऊपर भी, पिताजी के ऊपर, डेढ़ महीने से वो भी परेशान थी। डेढ़ महीने से अभी आए हैं उनके घरवालों की, उससे उनके घरवालों की शर्त थी, तू जापा अपनी मम्मी पापा के पास कटवाएगा। डेढ़ महीना पहले उसने केस क्यों कटवाया, केस क्यों उठाया, जब उसको ये परेशानी थी मेरे से, वुमेन सेल में केस कर दिया था दिल्ली, तो वहां से केस क्यों उठाया? राजीनामा हो गया था भाई, किस चीज का राजीनामा हो गया? राजीनामा कुछ नहीं हुआ था, षड्यंत्र था या सोच थी ना, वे जितने सोचा हूं तो दो चंद त्याग हूं, पढ़ा लिखा ना हूं, पर दिमाग भगवान ने बहुत दे रखा है। सोच या थी, अगवा पे मैं अकेला रहता था, मेरे माँ बाप को कैसे फंसाए? उन्होंने ये एलिगेशन या प्याने के बाद लगा दिए, जो उनको ये मुद्दा मिल रहा है, एलिगेशन छेड़ दिया। मेरा भाई वो कहती है हर हफ्ते आता है, कॉल डिटेल निकलवाओ, जाओ ड्यूटी करता हूं उनसे पूछो। एलिगेशन जब साबित होता है, एलिगेशन लगाना बहुत जल्दी है, पर उसको साबित करने में ना दिन रात लगते हैं। जब मानू हाँ ये एलिगेशन सच्चे है, क्यों 9 तारीख को जाके मेडिकल नहीं करवाया, 15 तारीख अभी तक उन्हें ACP सर के आगे भी बोला है मेरे को मेरे बच्चे चाहिए, कोर्ट में काउंसिलिंग में बोला मेरे को मेरे बच्चे चाहिए, उनको तो फिर छुटकारा चाहिए, क्योंकि उसकी मम्मी की शर्त ही है, अगर मेरे बच्चे अगर उसके पास चले गए ना तो उसकी मम्मी खुद ही उसको भेजेगी। प्रवीण भाई आपने बोला था जो आपका 8वें महीने में जो केस चला था, जो आप बोल रहे हो, और तो आपने बोला था मेरे को बच्चे चाहिए, आपकी कोई जरूरत नहीं, तू मर्चे जा, 20 आदमी तेरा सामान लगा देंगे तो तू क्या करेगा? नहीं नहीं ये आप तो, हाँ फिर मैं तो बोल रहा हूँ ना, 20 आदमी थाने में मेरे सर पे खड़े होंगे, अकेला क्या करूंगा मैं? उस टाइम पर मेरा बालक क्या हो जाता, बालक तू दे दे उनके घर के दे देते। मेरी बात सुनो, आपके ऊपर कोई सामान लगा रखा था है? और 20 आदमी खड़े पुलिस वाला तरफिए दे रहे, झूठी MLC कटवा रहे, सच्ची MLC होती तो 8वें महीने, रूल बता दूं 8वें महीने में पेट में लात मार दी ना, मर्डर का केस लगेगा और जाके थाने में पूछ भी लियो। मीडिया वाले बढ़ता गया पे, मेरा गुस्सा नहीं कर रहा, या पुलिस वाला तभी पूछ लियो, 8वें महीने में पेट में लात मार देना, छोरी कुर्सी पे ना बैठे, एडमिट होगी, माँ ने भी खतरा और बच्चे ने भी खतरा, और सीधा मर्डर के केस में। वैसे तो इसमें अरेस्ट नहीं कर सकते पुलिस वाले, जब तक बात सुनो पहले मेरी बात, जब तक अरेस्ट नहीं हो सकता, जब तक क्राइम तक वो धारा नहीं लगे, और 8वें महीने में पेट में बच्चा मार दे, लात मार देना कोई भी, तो वो क्राइम की धारा में शामिल होती है, और उसमें सीधा अरेस्ट करने के ऑर्डर हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर भगवान ने सीख बतेरी दे रखी है। पुलिस वालों ने ऐसा किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, डराना धमकाना था मेरे को, और खुद मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। दिवाली वाले दिन भी उसके चाचा ने धमकी दी, डेढ़ महीना जब ये गई थी, 7 तारीख को गई थी, 19 तारीख को इसकी बुआ के लड़के ने मेरे को धमकी दी मारने की, 48 घंटे रिकॉर्डिंग है, आप सब कुछ है, 48 घंटे दिखाओ मैं खुलासा में बात करूं पे ना, जब बोल लग रू इतना ना बोलता ना, था अरे यार पूरे वीडियो रोक दी जिस तरह हो गई थी ना, इसने बार कार्ड जो कैदी भीतर ले ली,
किसने जिस तने घर नानी वाले फोन पर फोन करा था ना कि इस छोरी ने करा के दिल बाहर काट दो नो ना कही मेरे भाई बात सुने और बात और सुने कही थी ई एक बात सुन गई मेरी तू भी मेरे साथ होना है 40 साल का तू है अगर इसकी माँ जल ठाक है नेम खा जाना मान सर की माँ ने छोड़े तने इसकी मौसी के कही थी बुआ थी आज अब उससे की तो बताऊ मैं उससे की बताऊ इसकी बुआ कौन है भाई मेरी माँ है कोई बात ना बुआ और माँ बराबर ही है कोई बात नहीं अरे बात सुने नुमन रही है बालक नदान है ना भाई उसका बड़ा बेटा ये जिंदा है हर कह तो बड़े नरेले माग ला जो मिनट तक पहले तेरी माँ के ऊपर कुछ कहूंगा तो तू आग नहीं ला देगा रे पहले ला देंगे भाई यह बात तब भाई वो तब भाई वह बात मेरी माँ के ऊपर ना लाग मेरे ऊपर लाग रहे पहले बात सुने अरे जितने बच्चा जानो भाई पहलवाने ओड़े दिन बच लिए तेरे दिन 48 घंटे का टाइम दे दिया पहलवाने अच्छा जीत फेट गया जीत टकरा गया जीत उस डैडी अपने नो बता दी ना क्यों है उड़े ठोक दो भाई अच्छा क्या जान रख लिए तेरे 48 घंटे का घने नहीं हो गया भाई 48 घंटे तो छोड़ तेरे दिन 48 घंटे का टाइम लिया जिस तक फेंकना है मिलना है इकतीस साल का मैं भी हो गया।